वेलकम बैक टू योर IPS ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर असाइनमेंट वेरी वेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच योर योर लिटरेचर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एंड द चैप्टर नेम इज इन सरंगीति। इन सरंगीति ये क्या है? ये एक प्लेस का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। In this extract adopted from Forever Free, Joy Adamson describes Serengeti. A wild and beautiful national park in Africa, which is famous for its lion. During her stay there, Adamson observed and wrote about a great variety of wildlife. ये जो आपकी स्टोरी है ये किससे ली गई है? एक बुक है फॉर एवर फ्री, उससे ली गई है। और एक्सट्रैक्ट करना कि उसका उस बड़ी सी बुक्स में से छोटा सा पार्ट ले लेना। और ये इसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? जो एडमसन। अ वाइल्ड एंड ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन अफ्रीका। ये सरंगीति क्या है? वाइल्ड नेशनल पार्क है। कहाँ पे? अफ्रीका में। जैसे हमारे यहाँ जिम कार्पेट है वाइल्ड एनिमल को सेव करने के लिए, वैसे ही अफ्रीका में कौन सा पार्क है? ये सरंगेति, विच इज़ फेमस फॉर इट्स लायन, और यहाँ के लायन के लिए ये फेमस है। ड्यूरिंग हर स्टे देयर, जब वो वहाँ पे रुकती हैं, एडमसन ऑब्जर्व एंड रोट अबाउट ए ग्रेट वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो उन्होंने जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया और उसके बारे में उन्होंने राइट किया, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इट वॉज आफ्टर टी टाइम दैट वी रीच्ड सेरोनेरा। जब वो वहाँ पहुँची तो कौन सा टाइम था? टी टाइम था। टी टाइम के बाद वो वहाँ पहुँची शाम के। ही बिगेन टू पिच कैम्प व्हेन सडन हैवी रेन्स सोक्ड एवरीथिंग। और जैसे ही वो वहाँ पहुँची, वहाँ पर क्या हो गया? बहुत तेज़ से बारिश। वी वर बॉक डाउन, और वो क्या करने लगी उसमें? जब बारिश हो गई तो वहाँ की मिट्टी क्या हो गई? गीली हो गई और उसमें फंस गई, स्टक हो गई। ड्यूरिंग द नाइट सेवरल हाइनास वॉकड अराउंड एंड लाइन केम टू क्लोज टू माई टेंट। और जब रात हुई तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे हाइनास उनके अगल बगल वॉक कर रहे हैं, उनके जहाँ पे उन्होंने टेंट लगाया था। एंड लाइन केम टू क्लोज, और लाइन जो था वो उनके बहुत क्लोज आ गया। टू माई टेंट दैट आई कुड हियर हिम ब्रीथ। वो इतने पास था कि वो उसकी सांस की वॉइस जो थी वो सुन सकती थी। लकीली द बॉयज हेल्पिंग मी, और जो बॉयज थे उनके साथ जो और लोग आए थे वो उनकी हेल्प कर रहे थे। वर स्लीपिंग इन द लॉरी, जो कहाँ पे सो रहे थे? जो लोरी मींस कि जो कार थी, जिस कार में वो लोग आए थे उसको क्या कह रही हैं? ये लोरी। और वो बॉयज उसमें सो रहे थे। सो आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट देयर सेफ्टी। तो वो क्या सोच रही थी कि मुझे उनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना है, मैं वहाँ उस साइड से फ्री हूँ। कि बाहर क्या थे? लायन थे। तो द नेक्स्ट डे I went to make arrangement for my stay and found that I had to hand in our firearms as it was against the rules for visitors to keep them. On next day,